आदाब है नाजिन, आप देख रहे हैं रूबरू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों बशमुल मुकद्दस मुकामात पर शदीद बारिश, आम जिंदगी दरहम बरहम। साल 2009 के बाद सबसे बड़ा सानहा, आवाम से मकानात में ही मुकीम रहने हुकूमत ने की अपील। रियासती हुकूमत बेरोजगार नौजवानों को शफाफियत के साथ रोजगार फराहम करने के अहद की पाबंद, रियासती वजीर KTR का बयान। शादी मुबारक कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के तहत हुकूमत की जानिब से इमदादी रकम मंजूर, हल्के असम्बली चार मीनार और याकूतपुरे के मुस्तहकीन में चेक्स की तकसीम। फलकनुमा पुलिस ने दो खातून मुलजमीन को किया गिरफ्तार, 1.5 लाख रुपये मालियती अशिया बरामद, ACP फलकनुमा डिवीजन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नल्लाकुंटा पुलिस ने रहजन को किया गिरफ्तार, 20 ग्राम तिलाई जेवर बरामद, ACP काचीगुड़ा डिवीजन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासी वजीर बल्दी नज्म व नसक KT राम राव ने सिकंदराबाद पार्लिमानी हलके के कई असम्बली हलके जात का रियासी वजरा और BJP अराकीन असम्बली के साथ दौरा किया। उन्होंने बताया कि तेलंगाना भर में 1,12,000 नौजवानों को तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत शफाफियत के साथ मुलाजिमतें फराहम की जाएंगी। अलावाजी उन्होंने सिटी लाइब्रेरी को डिजिटलाइज्ड करने पर 5 करोड़ रुपए मंजूर करने का भी ऐलान किया। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने सिकंदराबाद पार्लिमानी हलके के कई असम्बली हलके जात का दौरा किया। इस दौरे में रियासती वज़रा नैनी नरसिम्हा रेड्डी, टी श्रीनिवास यादव, मेयर हैदराबाद बी राममोहन और BJP अराकीन असम्बली डॉक्टर लक्ष्मण किशन रेड्डी, रामचंद्र रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना भर में 1,12,000 नौजवानों को तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत शफाफियत के साथ मुलाजिमतें फराहम की जाएंगी, जबकि साबिक में आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत मुलाजिमतों में इस तरह की शफाफियत मौजूद नहीं थी। उन्होंने अशोकनगर चिक्कड़पल्ली सिटी लाइब्रेरी को डिजिटल करने और 5 करोड़ रुपये मंजूर करने का भी ऐलान किया। KTR ने बताया कि तेलंगाना के एजेंसी इलाकों में जहां गिरिजनों की काफी तैदाद मुकीम है, उसके मद्देनजर वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने तमाम 31 अजला में असातिज़ा के तखर्रुआत का ऐलान किया है। విజ్ఞప్తి మీతో ఏంటంటే నాకు మైకు లేదు, ఇక్కడ మీతో ఇంత మందితో ఇప్పుడు నేను బయస్ పెట్టుకునే ఓపిక నాకు లేదు, తీరిక లేదు, కానీ కమిట్మెంట్ మాత్రం పక్కా చెప్తా ఉన్నా. 112,000 ఉద్యోగాలు అన్నాం, ఒక్కటి తప్పకుండా భర్తీ చేసే బాధ్యత మాది మనది మనందరి. रियासत दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी और ग्रेटर मेयर हैदराबाद राम मोहन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासी वज़राइटी KT रामाराव ने शहर के कई असम्बली हलके जात का दौरा किया है और चिकड़पल्ली को असरी बनाने, बंसी लाल पेट की तर्ज पर दीगर इलाके जात में कई एक कम्युनिटी हॉल्स के क़्याम के सिलसिले में भी उन्होंने तयकुन दिया है। उन्होंने बताया कि नालों की साफ सफाई और हैदराबाद को आलमी सतह का शहर बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से तेजी के साथ इकदामात जारी हैं। रियासती वजीर दाखला नायनी नरसिम्हा रेड्डी और ग्रेटर हैदराबाद मेयर बी राम मोहन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वजीर IT KT रामाराव ने शहर के पार्लिमानी हलके सिकंदराबाद के इलाके जात मुशीराबाद, खैरताबाद, अंबरपेट और सनत नगर के अलावा दोमलगुड़ा, चिक्कड़पल्ली और दीगर इलाकों का दौरा किया और नालों की सफाई का जायजा लेने के बाद चिक्कड़पल्ली इलाके को असरी बनाने और बंसीलाल पेट की तर्ज पर दीगर इलाके जात को तरक्की देते हुए कम्युनिटी हॉल्स की तामीर,
नालों की साफ सफाई और हैदराबाद को आलमी सतह का शहर बनाने के लिए तेजी के साथ इकदाम करने का तयखुन दिया और इसके लिए आला अहदेदारों को जरूरी हिदायतें भी जारी की। उन्होंने बताया कि वजीर बल्दी नज़्म व नस्क़ के टी रामाराव ने लोअर टैंक बॉन्ड का दौरा करते हुए टैंक बॉन्ड में गुंजाइश से जायद पानी आने पर अशोकनगर के इलाके जात मुकीम खानदानों को जो मुश्किल पेश आती हैं उसका भी तफसीली तौर पर जायजा लिया। म्युनिसिपल शाखा माचलो, एक्साइज शाखा माचलो, पशु संवर्धक शाखा माचलो, डिप्टी सीएम गारू, मेयर गारू, डिप्टी मेयर गारू, मरी नगर एमएलएलू, अदे विधंगा किशन रेड्डी गारू, लक्ष्मण गारू, रामचंद्र रेड्डी गारू, मरी మాగంటి గోపినాథ్ గారు, మరి మల్లెపల్లి నాంపల్లి ఎమ్మెల్యే గారు, వీళ్ళందరూ కూడా వారి వారి నియోజకవర్గంలో ఉన్న సమస్యలను చెప్పారు. అసెంబ్లీలో అందరూ కూడా అడిగారు మా నగర సమస్యలు పరిష్కారం చేయాలంటే మున్సిపల్ శాఖ మాధ్యులు మేము మీతోటి మాట్లాడి సమస్యలు పరిష్కారం చేస్తామని చెప్పారు. ఆ విధంగా మల్కాజ్గిర్ పార్లమెంటు మీటింగ్ అయింది, నిన్న సికింద్రాబాద్ పార్లమెంటు మీటింగ్ అయింది, దాని ఫాలోఅప్గా ఇవాళ మున్సిపల్ శాఖ మంత్రితోటి రామారావు గారితో కలిసి మేమందరం కూడా ఈరోజు ఫస్ట్ మల్టీ అక్కడ దాదాపు 4-5 వందల కుటుంబాలు ఉంటాయి. అది రాజశేఖర రెడ్డి ప్రభుత్వంలో మేము ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే ఉన్నాం, అంతకుముందు స్టార్ట్ అయింది, అది కంప్లీట్ చేశాం 2004లో. ఇప్పుడు ఆ ఓపెన్ ప్లేస్ విడిచిపెట్టారు. ఓపెన్ ప్లేస్ కమ్యూనిటీ హాల్ కట్టాలంటే రెవెన్యూ వాళ్ళు అబ్జెక్షన్ చెప్తుంటారు, లేకపోతే ఇంకేదో ఇంకేదో సాకులు చెప్తుంటే నిన్న లక్ష్మణ్ గారు ఖచ్చితంగా అంటే ఇవాళ పోయి చూసినాం. रियासी वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि विधायक तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने 10 अजला में इजाफा करते हुए 31 अजला तश्कील दिए हैं और अनकरीब रियासत के तमाम अजला में हुकूमत निचली सतह के इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाएगी। उन्होंने बताया कि सोसाइटी के तहत मस्कूरा इंतखाबात मुनक्किद होंगे। उन्होंने बताया कि हुकूमत मच्छरों की फलाह बहबूद के लिए कई इकदाम कर रही है और झीलों की साफ सफाई करने से मच्छरों को काफी फायदा हासिल हुआ है। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने 10 अजला में इजाफा करते हुए 31 अजला तश्कील दिए हैं और अनकरीब रियासत के तमाम अजला में हुकूमत सोसाइटी के इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाएगी। टी श्रीनिवास यादव ने बताया कि हुकूमत मच्छरों की फलाह बहबूद के लिए कई एक इकदाम कर रही है और रियासत भर में तालाबों और झीलों को दोबारा कारगर बनाने की वजह से मच्छरों को बड़े पैमाने पर फ़ायदा भी हासिल हो रहा है। इसके अलावा मछलियों की अफजाइश में भी इजाफा हो रहा है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने यह वाजे कर दिया है कि तालाबों और झीलों के पानी पर किसानों और मच्छरों का हक है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सूफी स्कॉलर्स की जानिब से और ख़तीब दक्कन इदारे के ज़ेर एहतमाम यौम टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर मुहिब वतन मुजाहिद को खराज और मुनाफिरत से इजहार बेजारगी के उनवान से सालार मिल्लत ऑडिटोरियम खिलवत उर्दू मस्कन में एक जलसे का इनेकाद अमल में लाया गया। इस जलसे से सदर मजलिस रुकन पार्लियामान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने खुसूसी खिताब किया। इस मौके पर मजलिस रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी, मौलाना काजिम पाशा कादरी, मौलाना अनवार अहमद, मौलाना अली पाशा कादरी के अलावा मजलिस डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर और दीगर भी मौजूद थे। शहीद टीपू सुल्तान के बारे में मैं अपनी जबान से क्या कहूँ, किसी ने टीपू सुल्तान शहीद के बारे में लिखा कि टीपू सुल्तान पर बार बार लगाए जाने इल्जाम में
एक इल्ज़ाम ये है कि इसने हिंदुओं के साथ जुल्म और ज़्यादती की और सिलसिलेवार जुल्म और ज़्यादती की कि ऐसे इल्ज़ाम मुस्लिम हुक्मरानों के खिलाफ सिर्फ इसलिए लगाए गए हैं कि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफरत और दुश्मनी पैदा की जा सके। ये सच है कि टीपू एक सच्चा मुसलमान था, लेकिन एक सच्चा मुसलमान होना एक बात है और किसी मजहब के खिलाफ होना दूसरी बात है। टीपू ने हिंदुओं के मंदिरों को फिराकदाराना इमदाद की और टीपू सुल्तान के महल के आसपास श्री वेंकट रमन, श्री निवास, श्री रंगानाथन के मंदिर आज इस बात की गवाही दे रहे हैं कि टीपू सुल्तान एक कुशादा जहन रखने वाला था और आज़ादी के जंग का सच्चा सिपाही था, जो कभी भी दौरान इबादत इन मंदिरों से आने वाले घंटों की आवाज़ और शोर से परेशान नहीं होता था। टीपू ने आज़ादी के लड़ाई में अपनी जान दे दी और हिफाजत से दुश्मन के आगे हथियार डालने की तजवीज़ को ठुकरा दिया। ये बात महात्मा गांधी ने अपने रिसाले द यंग इंडिया में 1930 में लिखी और आप अंदाज़ा लगाइए कि महात्मा गांधी खुद लिख रहे हैं कि टीपू सुल्तान हिंदुओं के खिलाफ नहीं था। महात्मा गांधी खुद टीपू सुल्तान शहीद को सच्चा मुजाहिद आज़ादी लिख रहे हैं। महात्मा गांधी ये लिख रहे हैं कि टीपू सुल्तान के महल के अतराफ में एक नहीं तीन तीन तारीखी मंदिर थे, टीपू सुल्तान ने उसको बंद नहीं करवाया। और महात्मा गांधी ये भी लिख रहे हैं कि टीपू सुल्तान ने दुश्मन के आगे यानी अंग्रेज़ों के आगे हथियार नहीं डाला, बल्कि उनके खिलाफ जंग की और शहादत को हासिल की। इससे हम खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज हमारे मुल्क में बीजेपी और संघ परिवार की तरफ से टीपू सुल्तान शहीद को कहना कि हिंदुओं के खिलाफ था, ये सरासर झूठ पर मबनी है। टीपू सुल्तान ने शराब पर पाबंदी आयत कर दी, टीपू सुल्तान ने तंबाकू पर पाबंदी आयत कर दी, टीपू सुल्तान के ज़माने में एक औरत चार चार पांच पांच शादियां करती थी, टीपू सुल्तान ने कहा कि नहीं हो सकता एक औरत एक से शादी करेगी। अब आप बताइए कि ये इस्लाहात और ये तमाम काम टीपू सुल्तान ने किया, अगर हिंदुओं का मामला आता तो उनकी अदालतों का मसला तो कहा कि शरी अदालत कायम की जाएगी और उसके मुताबिक फैसला होगा, और अगर अदालत के फैसले से कोई मुत्तफिक नहीं होगा तो सुल्तान को हुक्म था कि तुम मेरे पास आना। एक हाई कोर्ट उस जमाने में टीपू सुल्तान बने जिसका एक जज मुसलमान एक जज हिंदू था। अंदाजा लगाइए कि ये टीपू सुल्तान के उस जमाने में उनके काम, और ये इतना मुत्तकी परहेजगार और तक्वा इसमें था टीपू सुल्तान शहीद में कि जब मस्जिद आला की फतेही तकरीब आई तो उसका संगे बुनियाद टीपू सुल्तान शहीद ने किया। इसलिए किया, इसलिए नहीं किया कि वो टीपू सुल्तान था, बल्कि इसलिए किया कि इसने अपनी जिंदगी में एक नमाज भी कज़ा नहीं की। ये पंचवक्ता नमाजी मुत्तकी परहेजगार मुसलमान था जिसको आज आज के मौलवीन हिंदुस्तान की संघ परिवार बीजेपी ये कहकर बदनाम कर रही है कि टीपू सुल्तान हिंदुओं के खिलाफ था। और टीपू सुल्तान हिंदुओं के खिलाफ अगर होता 1799 को जब जनाजा टीपू सुल्तान का लेकर जा रहे थे तो हजारों की तादाद में श्रीरंगापट्टनम के हिंदू आते जनाजे के सामने सजदा करते और नमस्ते करते, रोते टीपू सुल्तान के जनाजे में शामिल होते, इतना रोते कि अंग्रेज मौलिक लिखता है उसका नाम मार्शमैन लिखता है कि जब अंग्रेज फौज श्रीरंगापट्टनम में दाखिल हुई तो क्या देखा कि हरियाली है, बेहतरीन काश हो रही है, हिंदू और मुसलमान मिलकर जिंदगी गुजार रहे हैं। ये अंग्रेज मौलिक तो ये लिख रहा है। और जनाजा जब टीपू सुल्तान का जा रहा तो हजारों लाखों की तादाद में उसमें हिंदू हमारे उस वक्त के थे, और जब अंग्रेजों से जाकर सब ने रियाया ने कहा कि ये हमारी दौलत आपके कदमों में रखते हैं, सल्तनत आप टीपू सुल्तान के खानदान में रखो,
इसलिए कि टीपू इंसाफ पसंद था। टीपू ने कभी भी ना इंसाफी को, सुल्तान की मौत हो गई, शहादत हो गई, उसके बाद उसकी सल्तनत के लोग अंग्रेजों में कह रहे हैं कि सल्तनत इस खानदान में बरकरार रखी। इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है टीपू सुल्तान की रवादारी का, टीपू सुल्तान की घर गंदारी का। आज भी मुझे कहते हैं कि मुसलमान कब्रस्तान या पाकिस्तान, हमने जिना के पैगाम को उतरा दिया। जब टीवी चैनल पे जाता है तो मैं, अब मेरी चमड़ी जरा मोटी हो चुकी है, बार बार मेरे को जिन्ना जिन्ना होती है। मैं दिल में सोचता हूँ, अरे बेवकूफ, मेरे को जिन्ना याद नहीं, तुम तो अपना बाप पे भी याद आ रहा। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, टीपू सुल्तान शहीद को खराज अकीदत पेश करना है। टीपू सुल्तान शहीद की तमाम वाकियात बताएं, और सबसे बड़ा चीज ये है कि हमको हालात से मायूस होने की जरूरत नहीं है। यकीनन हर तरीके से, हर मोड़ से हम पर वार किए जा रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुबहानहू ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तो फैल में हम मुसलमानों के अंदर जान रखेगा। साबिक मरकजी वजीर और रुकन पार्लियामान सिकंदराबाद बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि रियासत के नौजवानों में जो मायूसी पैदा हो रही है उसकी जिम्मेदार तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत है। उन्होंने बताया कि जिला के चंद्रशेखर राव ने नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करने का वादा किया था, लेकिन बाद अजा वो मुकर गए। और बताया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से स्किल डेवलपमेंट के तहत नौजवानों को रोज़गार से मरबूत कोर्सेस करवाए जा रहे हैं। साबिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासत के नौजवानों में जो मायूसी पैदा हो रही है उसकी जिम्मेदार तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत है, क्योंकि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करने का वादा करते हुए अपने वादे से इन्हराफ किया है। बंडारू दत्तात्रेय ने बताया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से स्किल डेवलपमेंट के तहत नौजवानों को रोज़गार से मरबूत किया जा रहा है, जबकि उन्होंने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन से इस बात का मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर मुलाजिमतों के लिए नोटिफिकेशन जारी करे। रियासत तेलंगाना की मुख्तलिफ असम्बली हल्के जात के तहत हुकूमत शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के इमदादी चेक्स मंजूर कर रही है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने हल्के असम्बली चारमीनार के मुख्तलिफ डिवीजन्स में मंजूरा 100 से जायद चेक्स इस्तेफादे कुनिंदगान में तकसीम किए। उर्दू मस्कन में मुनक़िदा इस तकरीब में इमारो बहादुरपुरा के अलावा मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुजफ़र मजलिसी कॉरपोरेटर, मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी, मुग़लपुरा नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल के अलावा साबिक़ डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुकर्रम अली और सरगम मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। चार मीनार असम्बली हल्के के तमाम इलाकों बल्दी डिवीज़नों में आज शादी मुबारक के चेक्स तकसीम किए गए, और नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुके पार्लियामेंट की हिदायत पर आज ये चकों की तकसीम अमल में आई। ख्वाजा चौक हाल उर्दू मस्कन खिलवत मोती गली में, जिसमें 110 खवातीन में ये चक्स की तकसीम अमल में आई, जिसमें से 47 चक्स 75,000 रुपये के फीकस 75,000 के चक्स है, और 63 चक जो सो 51,000 के है। तो ये तो टोटल अमाउंट 68 लाख के करीब है, और ये इससे पहले भी जो तकसीम हुई चार मीनार असम्बली हल्के में करीब 700 से ज़ायद लोगों को ये चेकों की तकसीम अमल में आया। अभी बहुत सारे चेक्स ज़ेरे इल्तवा है, ज़ेरे तस्फिया है, इमारत ऑफिस के पास जैसे जैसे मंजूर होकर आते जाते हैं उसकी तकसीम इमारत ऑफिस में या कहीं किसी मुकाम पर रखे, जैसा कि आज ख्वाजा चौकाल में रखे। हमारे तमाम कॉरपोरेटर्स मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर साहब कॉरपोरेटर, रियाजुल हसन अफंदी साहब कॉरपोरेटर, नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल साहब, साबिक कॉरपोरेटर मुकर्रम अली साहब, ये तमाम यहाँ पर मौजूद थे। ये लोगों के हाथों से चकों की तकसीम अमल में आई, और ये स्कीम लोगों को मालूम है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने इसका आगाज़ किया। मैं वाज़ेह तौर पर याद दिलाना चाहता हूँ, कांग्रेस के दौरे हुकूमत में अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने 5,000 रुपये फीकस
شادی کے لیے منظوری حاصل کی تھی تو کانگریس نے کنڈیشن رکھا تھا کہ اجتماعی شادیوں کا انتظام کر کے وہ پورے جہیز وہیز دے کے اجتماعی شادیوں میں وہ پیسے دینے کا وعدہ کیا تھا اور دیے بھی، لیکن بہت سارے غریب لوگ ایسے ہیں وہ اجتماعی شادیوں میں شرکت سے پرہیز کر رہے تھے، اعتراض کر رہے تھے، کیونکہ غریب ہے تو کیا ہوا، عزت دار لوگ آئے اسے اجتماعی شادیوں میں نہیں آ سکتے۔ تو اس کے لیے تلنگانہ کی نئی حکومت کی جب پہلا بجٹ اجلاس ہوا اس میں اکبر الدین اوی صاحب تجویز رکھے تھے کہ اس کے لیے مناسب ہے کہ ایک لمسم اماؤنٹ مقرر کر کے دے دیا جائے، اس کے شرائط بنا کے، تو اس وقت چیف منسٹر نے فوری اس کو منظور کیا، 51,000 روپے فی شادی کے لیے اعلان کیا، درخواستیں لے رہے ہیں، اس کی تحقیقات میں تاخیر ہو رہی ہے، لیکن تقریباً 100% درخواستوں کو بلگان دے رہے ہیں۔ اگر کچھ ڈاکومنٹ میں کچھ غلطی رہی یا عمر کا کچھ فرق رہا تو شاید اکا دکا ریجیکٹ ہو رہے ہیں، لیکن میں چار میار اسمبلی حلقے میں آج تک کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی کسی کی درخواست ریجیکٹ ہوئی، بلکہ جتنے بھی درخواست گزارے سب کو دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کلیان لکشمی منڈپ، کلیان لکشمی کے بھی تحت غیر مسلم خواتین کو بھی دے رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اب حال ہی میں اکبر الدین صاحب نے اس رقم میں اضافے کا مطالبہ کیا تھا کہ 1,00,000 روپے کریے، تو حکومت نے 75,000 کا اعلان کیا۔ تو یہ مجلس کی کامیاب نمائندگی کے نتیجے میں غریب لوگوں کو اس سے استفادے کا موقع مل رہا ہے۔ میں آپ کے چینل کے ذریعے تمام عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ حکومت سے بات کر کے مسائل کو اسمبلی میں اور حکومت کے پاس جا کے بات کر کے بہت سارے حل کرائیں۔ سلسلے میں تمام لوگوں سے خواہش کی جاتی ہے کہ مجلس کی کامیابی کے لیے دعا کیجیے، اور مخالفین جو کوشش کر رہے ہیں مجلس کو نیچا دکھانے کی یا نقصان پہنچانے کی، مخالفین کے حق میں بھی دعا کیجیے کہ اللہ ان کو نیک توفیق دے اور مجلس کو سربلندی اور کام۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے لڑکیوں کی شادی کے لیے اقلیتوں اور ایس سی ایس ٹی طبقات سے تعلق رکھنے والوں کو مالی امداد کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے کے تحت سعید آباد منڈل میں منظور کی گئی شادی مبارک اور کلیانی لکشمی اسکیمز کی امدادی چیکس کی مجلسی رکن اسمبلی حلقے یاقوت پورہ ممتاز احمد خان کے ہاتھوں تقسیم عمل میں آئی۔ اس موقع پر مجلسی ڈویژن کارپوریٹرز ڈاکٹر ثمینہ محمد مظفر حسین کے علاوہ ٹی آر ایس کارپوریٹر ایس سپنا ریڈی اور سرگرم ایسی کارکنان بشمول شیخ وحید، محمد بابر، محمد حیدر کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ کے اندر کلینا لکشمی پروگرام کے اور شادی مبارک اسکیم کے 80 چیک تقسیم کیے گئے، اور اس پروگرام کے اندر ہمارے کارپوریٹر مظفر صاحب، ثمینہ میڈم، آیا سدرن ڈویژن کے میڈم سپنا میڈم، ان لوگوں نے حصہ لیا۔ آج الحمدللہ گورنمنٹ کے جو بھی اسکیمات ہیں اس سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین عوام کے درمیان میں شعور پیدا کرنے کے لیے ہمارے ابتدائی کے صدر و معتمدین بھی آپ سب سے مل کر جو بھی پروگرامز گورنمنٹ کی جانب سے ہو رہے ہیں اس سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے کہے جا رہے ہیں۔ میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ گورنمنٹ کے اسکیمات کے علاوہ آپ کے حلقے جات میں جو بھی کام ہیں انشاءاللہ تعالی آپ ہم سے رجوع ہوں، یا نہیں تو ہمارے ابتدائی کے صدر و معتمدین سے کہیں آپ کے ان تمام مسائل کا حل کروانے کے لیے انشاءاللہ پوری کوشش کی جائے گی۔ پھر ایک بار میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین سے وابستہ رہ کر آئندہ بھی مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط اور مستحکم کریں۔ شکریہ۔ فرقمہ پولیس نے 2 خاتون ملزمین کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے قبضے سے 1,50,000 روپے مالیاتی، طلائی اور نقرابی زیور اور دیگر اشیاء برآمد کر لیں۔ اے سی پی فلکنما ڈویژن سید فیاض نے میڈیا کو بتایا کہ 36 سالہ آسیہ پروین ساکن اچھی ریڈی نگر نواب صاحب کنٹا اور 32 سالہ رضیہ پروین ساکن اچھی ریڈی نگر فلکنما کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مذکرہ خواتین کی 2 رکنی ٹولی مختلف مقامات پر وارداتیں انجام دیتی تھیں۔ موثوق اطلاع کے بعد مذکرہ خواتین کو فلکنما پولیس نے حراست میں لیا۔ آج فرقنما پولیس اسٹیشن کی فیکٹری میں 2 خواتین حراست میں لے لیا تھا۔ آج صبح 8:30 بجے اچھی ریڈی نگر میں رضیہ اور آسیہ نام کا 2 عورت زنانہ چور لوگوں سے قبضے سے 3.5
तुला सोना, 21 तुला चांदी और साड़ियाँ और 38 सेलफोन्स उनके पास से बरामद किया गया है। हमारे पास ये केस था जो साड़ियों का ये लोग सरका कर चुके थे, वो सबके वारदात में हमारे क्राइम टीम फलकनुमा में तहकीकात करते हुए ये जो खवातीन चोरों को आज सुबह पकड़ लिया गया है, वो लोगों के कब्जे से जो भी हमें बताया गया है उसके कब्जे से उनके पास बरामद करके आज उन लोगों को अदालत में पेश किया जा रहा है। नलगुंडा पुलिस ने एक रहजन को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से तकरीबन 20 ग्राम तलाई जेवर बरामद कर लिए। तफसीलात के मुताबिक 20 साल सैयद मोहसिन अली साकिन अंबरपेट को गिरफ्तार किया गया, जो पेशे से एक कारपेंटर बताया गया है। एसीपी काचीगुड़ा डिवीजन जे नरसैया ने मीडिया को बताया कि मुलजिम हैदराबाद, साइबराबाद और अच्चाकुंडा कमिश्नरेट हदूद के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हदूद में सरखे की, खुफल शिकनी की और रहजनी की जुमला 29 वारदातों में मुलव्वस पाया गया है। पात नेरस्थुड़ सुमार 2010-2017 संवत्सर में 7 इयर्स मध्यकाल 28 ऑटोमोबाइल थेफ्ट से करडोटने का प्रॉपर्टी अफेंडर सैयद मोहसिन अली एलियास मोहसिन इतने वयस 21 संवत्सर अंबरपेट आकाश नगर एरिया उठाड़ ఇతను చాలా నేరాలలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది. జనవరిలో 2017 జనవరిలో ఇతనిపై మీడియా కూడా నమోదు చేయడం పట్టింది అంబర్పేట పోలీసులు. అయినా కానీ అతని ప్రవర్తనలో ఎలాంటి మార్పు లేకుండా ఎప్పుడైతే మీడియా నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ అగైన్ ఈవాజ్ అరెస్ట్ అయిన మే, అప్పుడు కూడా ఆటోమొబైల్ సెఫ్లు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. మళ్ళీ ఆగస్టులో జైలు నుంచి రిలీజ్ అయినాక రీసెంట్గా ఒక 3 డేస్ బ్యాక్ ఒక చైన్ స్నాచ్ పాల్పడం జరిగింది. నల్లకుంట ఏరియాలో 15th నాడు నైటు ఒక ఏజ్డ్ ఉమెన్ వాకింగ్ చేస్తుంటే రైల్వే ట్రాక్ దగ్గర ఇతడు సింగిల్గా వచ్చి అతను ఒక ఎంఓ ఏదైతే ఆటోమొబైల్ థెఫ్ట్ ఎంఓని మరిచి ఇప్పుడు కొత్త ఎంఓలో స్నాచింగ్కు పాల్పడడం జరిగింది. సో ఈ యొక్క స్నాచింగ్ అనేది హైదరాబాద్ నగరంలో మెందరు చేసు చాలా పట్టుకు. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दुख्तर इवांका ट्रंप की हैदराबाद आमद के पेश नज़र शहर में गैरमामूली सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं। 28 नवंबर को इवांका ट्रंप वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हमरा ताज फलकनुमा होटल में इशाइया में शिरकत करने वाली हैं। होटल के आसपास के इलाकों में पुलिस की तलाशी मुहिम की जा चुकी है और इलाके में तहदीदात भी आयद कर दी गई हैं। डीजीपी साउथ जोन 20 सत्या नारायणा ने बताया कि ताज फलकनुमा में होने वाले इशाइये के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और पुलिस को भी चौकस रखा गया है। मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी मुहिम भी अंजाम दी जा रही है। سعودی عرب کے مختلف شہروں بشمول جدہ، مکہ، طائف اور دیگر مقامات پر شدید بارش ہوئی، جس کی وجہ سے عام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ مختلف شہروں میں بارش کی پیش قیاسی کے بعد تعلیمی اداروں کو تعطیل کا اعلان کیا گیا تھا، جبکہ سرکاری ادارے اور غیر سرکاری دفاتر بھی بند رہے۔ جدہ میں واقع کئی ٹنلز میں پانی بھرنے کی وجہ سے اسے بند کر دیا گیا تھا، جبکہ مدینہ منورہ، جیزان، سیر اور بہا میں بھی بارش کی اطلاعات ہیں۔ یاد رہے کہ سال 2009 میں ہوئی بارش نے بھی سعودی عرب میں تباہی مچائی تھی۔ حکومت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ بارش کے لیے حفظ ما تقدم کے طور پر اپنے گھروں ہی میں مقیم رہیں۔ ഞാൻ തുടങ്ങിയ ഞാൻ പറ്റപ്പടേ ഡബി പറ്റപ്പടം തുടങ്ങി വേറെ ریاستی وزیر صحت لکشما ریڈی نے اپنے محکمے کے اعلیٰ اداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا۔
اجلاس میں عہدیداروں کو انہوں نے ہدایت جاری کی کہ تمام سرکاری دواخانوں میں درکار دواؤں کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، اور بتایا کہ عنقریب طبی عملے کے تقررات بھی عمل میں لائے جائیں گے۔ بات رہے کہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے طبی عملے کے تقررات کو لے کر حکومت پر کئی تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے کے تحت ریاستی وزیر صحت لکشما ریڈی نے تیقن دیا ہے کہ عنقریب تقررات عمل میں لائے جائیں گے۔ آخر میں ہم خبریں ایک بار پھر۔ سعودی عرب کے مختلف شہروں بشم المقدس مقامات پر شدید بارش، عام زندگی درہم برہم۔ سال 2009 کے بعد سب سے بڑا سانحہ، عوام سے مکانات میں ہی مقیم رہنے حکومت نے کی اپیل۔ ریاستی حکومت بے روزگار نوجوانوں کو شفافیت کے ساتھ روزگار فراہم کرنے کے عہد کی پابند، ریاستی وزیر کے ٹی آر کا بیان۔ شادی مبارک کلیانی لکشمی اسکیم کے تحت حکومت کی جانب سے امدادی رقم منظور، حلقہ اسمبلی چار مینار اور یاخود پورے کے مستحقین میں چیکس کی تقسیم۔ فلک نما پولیس نے دو خاتون ملزمین کو کیا گرفتار، 1.5 لاکھ روپے مالیتی اشیاء برآمد، اے سی پی فلک نما ڈویژن کی میڈیا کانفرنس۔ نلہ کنٹا پولیس نے رہزن کو کیا گرفتار، 20 گرام طلائی زیور برآمد، اے سی پی کاچی گوڑا ڈویژن کی میڈیا کانفرنس۔ اسی کے ساتھ روبرو نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبرو نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہو۔ السلام علیکم۔